हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, काफी स्टूडेंट्स के डाउट्स थे, काफी स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ चुकी थी, काफी स्टूडेंट्स की मेल आ चुकी थी कि भैया सेंचर की कट ऑफ क्या होती है, सेंचर की कट ऑफ भी बता दो। तो काफी स्टूडेंट्स की जब मेल्स आती है, काफी स्टूडेंट्स के डीएम्स आते हैं, तो यार सब स्टूडेंट्स को रेस्पॉन्स करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आ चुका हूँ, एक सेंचर कट ऑफ, जिसके अंदर मैं आपको हर एक राउंड की, जो भी हमारे राउंड होते हैं, चाहे वो मेरा ऑनलाइन असेसमेंट हो, चाहे मेरा कोडिंग असेसमेंट हो, चाहे मेरा कम्युनिकेशन राउंड हो, चाहे मेरा इंटरव्यू, हर एक राउंड की एक पर्टिकुलर कट ऑफ होती है। वो कट ऑफ आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। काफी स्टूडेंट्स के काफी डाउट है, सारे डाउट्स भी कवर होने वाले हैं, एंड वीडियो एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ, एंड जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तुरंत के तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, एंड तुरंत के तुरंत आप लोग वीडियो देख लेना। तो काफी कंटेंट अभी इस चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि क्या प्रोसेस होता है, मैं एक बार प्रोसेस बता देता हूँ, फिर हर एक राउंड की हम कट ऑफ देखेंगे। तो सबसे पहला राउंड वन जो होता है, मतलब हम बोल सकते हैं हमारा राउंड वन होता है कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। इस असेसमेंट के अंदर आपके रीजनिंग के क्वेश्चन, आपके वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन, आपके एमएस ऑफिस, सूडो कोड, नेटवर्किंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट, ये राउंड वन होता है असेंचर का। अब इसकी एक पर्टिकुलर कट ऑफ होती है, अगर आप ये कट ऑफ क्लियर करते हो, देन आप नेक्स्ट राउंड के लिए प्रोसेस करते हो। नेक्स्ट राउंड हमारा होता है कोडिंग राउंड, या फिर हम इसको कोडिंग असेसमेंट भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर दो क्वेश्चन आते हैं। अब इसकी भी एक पर्टिकुलर कट ऑफ होती है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड है। अगर आपने ये राउंड क्लियर नहीं किया तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए नहीं एलिजिबल हो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड है। काफी स्टूडेंट्स राउंड वन क्रैक कर लेते हैं, बट राउंड टू के अंदर काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। अब जो भी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स राउंड टू क्रैक कर लेंगे, मतलब कोडिंग असेसमेंट क्रैक कर लेंगे, उनको कम्युनिकेशन असेसमेंट की मेल आ जाएगी। राउंड थ्री इज द कम्युनिकेशन असेसमेंट। अब जो हमारे मेन पिलर्स थे, वो हमारे मेन राउंड्स हमारे दो ही थे। अगर हम ये दो राउंड क्रैक कर लेते तो हम इजिली इंटरव्यू राउंड तक पहुंच जाएंगे। अभी कम्युनिकेशन असेसमेंट एलिमिनेशन राउंड होता है, नॉन एलिमिनेशन राउंड होता है, सारी चीजें बताऊंगा। सबकी एक पर्टिकुलर कट ऑफ होती है, कट ऑफ भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, तो वीडियो बस आपको एंड तक देखनी है। सो गाइस, कट ऑफ बताने से पहले मैं आप लोग के लिए सरप्राइज लेके आ चुका हूँ। काफी स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि भैया हमें डेवलपमेंट सीखनी है तो कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, हमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीखनी है तो कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। तो जीएफजी आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं, जीएफजी प्रीमियम, जिसके अंदर आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिलने वाले हैं। एंड अगर मैं आप लोग को एक बात बोलूं कि अगर आप एक कोर्स की प्राइस पर, अगर मैं आपको 35 कोर्सेज का एक्सेस दिला दूं, 35 कोर्स दिला दूं, बट प्राइस एक कोर्स की रहने वाली है। अगर हम मार्केट में अदर कोर्सेज देखते हैं तो जो अदर कोर्सेज का एक कोर्स का प्राइस है, अगर मैं आपको 35 कोर्सेज दिला देता हूं, उस प्राइस पे क्या कितना बेस्ट रहने वाला है। तो जीएफजी अपना प्रीमियम एक्सेस लेके आ चुकी है, एंड इसके अंदर हम क्या क्या रहने वाला है, कौन कौन से कोर्सेज रहने वाले हैं। अगर आपको डीएससी सीखना है तो डीएससी के लिए भी यहाँ पे कोर्स रहने वाला है। डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हो, सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनके कोर्सेज रहने वाले हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में भी आपको काफी सारे यहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, जो इस टाइम का बिल्कुल बूम टॉपिक्स है, अगर आपको डेटा साइंस सीखनी है तो डेटा साइंस के भी यहाँ पे कोर्सेज रहने वाले हैं, मशीन लर्निंग के भी कोर्सेज रहने वाले हैं, क्लाउड डेवऑप्स, काफी यहाँ पे वैरायटी के कोर्सेज मिलने वाले हैं, एंड कोर्सेज के साथ साथ इनका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो अब एक बार मैं आपको कोर्सेज दिखा देता हूँ कि किस टाइप के कोर्सेज है, क्या क्या चीजें इनके अंदर बेस्ट है। तो सबसे पहली चीज, जो स्ट्रक्चर वाइज इनकी लर्निंग्स रहने वाले हैं, जैसे आप देख पा रहे हो, वीक वन हर एक वीक यहाँ पे आपको वीडियोज देखने को मिलेगी, हर एक टॉपिक वाइज वीडियोज है। जैसे रिकर्जन की एक अलग, आपको पूरा रिकर्जन सिखाया जाएगा, एरेज की अलग 31 वीडियो है, सर्चिंग के अलग है, सोर्टिंग का अलग, मैट्रिक्स, हैशिंग, तो आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर वाइज लर्निंग मिलने वाली है, जो आपको हेल्प करेगी एक बड़ी कंपनी को क्रैक करने के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंड सबसे बेस्ट चीज जो मुझे जीएफसी की लगती है, इनके मॉक इंटरव्यू कॉन्टेस्ट। आप किसी कोई भी कोर्स ले लेना, उसके अंदर आपको कोई कॉन्टेस्ट नहीं कराने वाला है, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं कराने वाला है। इनकी बेस्ट चीज है कि यार ये इंटरव्यू कॉन्टेस्ट भी कराएंगे, ये प्रोजेक्ट्स भी कराएंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज लर्निंग होने वाली है, बेस्ट कोर्स लेने वाला है, एंड साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जनरेट सर्टिफिकेट। जैसे आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो आप सर्टिफिकेट भी जनरेट कर सकते हो। तो अगर बात करते हैं कि इनके कोर्सेज के अंदर क्या मिलने वाला है, आप YouTube पे वीडियो देखते हो, ऐड की वीडियो रहने वाली है, मेरी वीडियो देख रहे हो, किसी की भी वीडियो देख रहे हो, बट ये कोर्सेज ऐड फ्री एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। 24/7 इनका डाउट सपोर्ट है, नोट्स आपको मिलेंगे, देखो आपको खुद से नोट्स बनाने की नीड नहीं है। 35 प्लस कोर्सेज का एक्सेस रहने वाला है, योगी बोर्ड रहने वाला है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्राइस की एक प्राइस रेट पे, एक प्राइस बैंड पे 35 कोर्स आपको मिल रहे हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी, इतने बेस्ट प्राइस कभी नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं प्राइसेस की, तो प्रीमियम हाफ ईयरली अगर आप प्लान लेते हो तो 5,999 रुपीज का रहने वाला है, एंड एनुअल प्राइस जो रहने वाला है 8,999 रुपीज का। तो मैं मान के चलता हूँ कि इस वाले प्लान के अंदर बेनिफिट्स नहीं है,
अगर आप 12 months का लेते हो तो उसके अंदर बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स कैसे है आपको ये बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे 1 year का प्लान लेते हो तो इस 1 year के प्लान के साथ 1 साल का तो आपको एक्सेस मिलेगा प्लस 1 साल का और आपको फ्री एक्सेस मिल रहा है, बट इसके साथ कोई भी ऐसा स्कीम नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट्स कोर्स लेना चाहते हैं तो आप प्रीमियम ले सकते हो। अगर आप कोर्स नहीं भी लेना चाहते, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप जाके चेकआउट करना, एक बार देखना कि क्या क्या वैरायटीज मिल रही है। एंड जितने भी स्टूडेंट्स को कोर्स परचेस करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके परचेस कर लो। जरूर जाके हर एक स्टूडेंट्स को एक बार विजिट करके आना, देख के आना कि क्या क्या वैरायटी मिल रही है। आपको प्लेसमेंट क्रैक करनी है तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है, जाके आप लोग कोर्स ले सकते हो। गाइस अब बात करते हैं सेक्शन 1 कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट कट ऑफ की। तो मैं आपको हर एक सेक्शन की कट ऑफ बताने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से कट ऑफ देखना। कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट की अगर हम बात करें तो कॉग्निटिव सेक्शन के अंदर आप लोगों ने रीजनिंग का पार्ट देखा होगा, रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको मिले होंगे, वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस मिलोगे। एंड अगर हम बात करें टेक्निकल सेक्शन की तो टेक्निकल सेक्शन के अंदर एमएस ऑफिस, सुडो कोड, नेटवर्किंग, क्लाउड, इन टाइप्स के आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। अब काफी स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि भैया हमारा एमएस ऑफिस का पार्ट बेकार गया है, क्लाउड का पार्ट बेकार गया, क्या यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होती है? तो आप लोगों को मैं बताऊंगा, आपके असेंचर के अंदर कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, मतलब कोई भी सब सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है कि आपकी एमएस ऑफिस की कोई अलग कट ऑफ होगी या सुडो कोड की कोई अलग कट ऑफ होगी या नेटवर्किंग के क्वेश्चंस की कोई अलग कट ऑफ होगी। तो देर इज नो सब सेक्शनल कट ऑफ। तो काफी स्टूडेंट्स को डाउट था कि भैया सब सेक्शनल कट ऑफ होती है नहीं होती है, तो कोई सब सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी, आपकी हर एक सेक्शन की ओवरऑल कट ऑफ होती है। जैसे राउंड्स मैंने आपको बताए थे कि यहाँ पे राउंड्स है, ये 4 राउंड्स है, तो फर्स्ट राउंड की एक अलग कट ऑफ होगी जिसके बेसिस पे आप नेक्स्ट राउंड के लिए आओगे, नेक्स्ट राउंड की एक अलग कट ऑफ होगी जिसके बेसिस पे आप थर्ड राउंड के लिए आओगे। तो हर राउंड की एक अपनी स्पेसिफिक कट ऑफ होती है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो कॉग्निटिव सेक्शन के अंदर 50 questions है। अगर आप यहाँ पे 25 questions भी कर लेते हो, अगर हम बात करते हैं कि 25 questions, 25 to 30, सेफ जोन के लिए 30 मान के चल सकते हैं, अगर आप 25 to 30 questions भी यहाँ पे करेक्ट कर लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड इन 40 questions के अंदर, टेक्निकल सेक्शन के अंदर जो 40 questions आए थे, अगर आप यहाँ पे 20 questions तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे चाहिएगे। तो 20 questions से अगर हम बात करते हैं 25 questions तक ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो 30 questions में यहाँ पे ले लेता हूँ, 25 questions यहाँ पे ले लेता हूँ, 90 questions में से अगर मैं टोटल बात करता हूँ, 90 questions में से अगर हम बात करते हैं, अगर मेरे 55 questions भी सही है, अगर आपने 55 questions सही किए हैं तो आप 101% नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। 55 to 60 questions अगर आपने सही कर दिए तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपको जभी के जभी आपका जो वहाँ पे आपका टेस्ट होगा वो रिडायरेक्ट कर जाएगा राउंड 2 के लिए, विच इज कोडिंग असेसमेंट। तो अब कोडिंग असेसमेंट की एक पर्टिकुलर कट ऑफ होती है। राउंड 1 की हमने कट ऑफ देख ली, कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट ओवरऑल 90 questions आपके आने वाले हैं। 90 में से अगर हम टोटल बात करते हैं, 55 to 60 questions भी अगर आप कर लेते हो, सेफ जोन को मैं, सेफ जोन के लिए मैं 60 questions बता देता हूँ। एंड काफी कट ऑफ डिपेंड करती है कॉलेज टू कॉलेज। सपोज किसी स्टूडेंट के कॉलेज के अंदर जा रही है एंड वहां पे उनके कॉलेज के अंदर से ज्यादा स्टूडेंट्स हायर करना है तो ऑब्वियसली कट ऑफ 50 हो जाएगी, और अगर कम स्टूडेंट्स हायर करने हैं तो ऑब्वियसली कट ऑफ 60 to 65 भी हो सकती है। तो काफी पैरामीटर्स भी डिपेंड करते हैं, बट हम एक एक्सपेक्टेड लेके चल सकते हैं कि अभी काफी स्टूडेंट्स के राउंड क्लियर हुए हैं तो उनके हिसाब से क्या कट ऑफ रहती है, क्या 2024 क्या 2023 कट ऑफ रही, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ। 55 questions अगर आपके सही जा रहे हैं और मैक्स टू मैक्स 60 questions तो आप इजिली राउंड 1 क्रैक कर लोगे। अब मूव टू द नेक्स्ट राउंड। अब आप आ चुके हो नेक्स्ट राउंड के लिए, विच इज कोडिंग राउंड। कोडिंग राउंड के अंदर आपको 2 coding questions देखने को मिलेंगे। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल इजी होने वाला है, सेकंड क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल मीडियम लेवल रहने वाला है। तो 2 type के यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल रहने वाले हैं, फर्स्ट इज ऑफ इजी लेवल, सेकंड इज ऑफ मीडियम लेवल। एंड ये सेकंड मीडियम लेवल डिपेंड कर सकता है कॉलेज टू कॉलेज एंड पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो इजी लेवल का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वरना ये आपको थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन मिल जाएगा। बट अब तक काफी स्टूडेंट्स ने कोडिंग असेसमेंट दिया है तो ओवरऑल कोडिंग क्वेश्चंस इजी ही लेवल के आ रहे हैं। इजी लेवल के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन कर रहे हो ये मैटर नहीं करेगा, आपके क्वेश्चन सोल्व होना ये मैटर करेगा। आप सक्सेसफुली सारे के सारे टेस्ट के पास कर देते हो ये चीज मैटर करेगी ओवरऑल।
अगर हम बात करते हैं, अब काफी स्टूडेंट्स वन एक क्वेश्चन तो यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेते हैं और काफी स्टूडेंट्स एक भी क्वेश्चन नहीं करते हैं। जितने स्टूडेंट्स अगर आपने जीरो क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे, तो कोई भी ऐसे प्रोबेबिलिटी नहीं है, कोई भी ऐसे चांसेस नहीं है कि आप इंटरव्यू राउंड तक पहुंच जाओगे, आप नेक्स्ट राउंड विच इज कम्युनिकेशन राउंड तक पहुंच जाओगे। अगर आपने एक क्वेश्चन सबमिट किया है तो आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब पॉसिबिलिटी है आपकी। बट अगर हम मैक्स मान के चलते हैं कि भैया क्या कट ऑफ रहेगी, तो मैं आपको बोल सकता हूँ 1.5 क्वेश्चन। अगर आप एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो जिसमें सारे के सारे फुल्ली टेस्ट केस पास करते हो, एंड सेकेंड क्वेश्चन के अगर आप हाफ भी टेस्ट केस पास कर देते हो, अगर आप पार्शियली टेस्ट केसेस भी पास कर लेते हो, मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड क्वेश्चन की, तो आप इजिली इंटरव्यू राउंड तक आपको कोई नहीं ला सकता, आप इंटरव्यू राउंड तक जरूर 101% पहुंच जाओगे। इसके बाद राउंड होता है कम्युनिकेशन, उसके बाद होगा हमारा इंटरव्यू राउंड। तो आप अगर आप 1.5 क्वेश्चन कर लेते हो बिल्कुल सेफ जोन के लिए, तो आप इजिली इंटरव्यू राउंड कम्युनिकेशन राउंड नेक्स्ट राउंड के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। बट अब काफी स्टूडेंट्स ने वन क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, आउट ऑफ टू अगर आपने वन क्वेश्चन किए तो स्टिल देयर इज अ चांसेस आपके, मैं मान के चल सकता हूँ 60-70% अभी भी आपके चांसेस है। ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज टू कॉलेज, तो मैक्सिमम हम मान के चल सकते हैं कि 1.5 क्वेश्चंस अगर हमारे सही है तो हम सेफ जोन में हैं। एंड जितने स्टूडेंट्स ने दोनों के दोनों कोडिंग क्वेश्चंस किए हैं, तो आपको ऑब्वियसली बेनिफिट मिलने वाला है, आपका तो 101% चांसेस है और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है। अभी एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होता है, सपोज आपका देखो ओवरऑल जब आपकी इंटरव्यू होती है उसके अंदर एक कट ऑफ होती है, जब आप अपना इंटरव्यू दे दोगे, इंटरव्यू देने के बाद भी सिलेक्शन के लिए जो बैकएंड में प्रोसेस होता है, ये ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं कि एप्टीट्यूड में कितने मार्क्स सही हुए हैं, आपके कोडिंग राउंड कितने, कोडिंग में कितने क्वेश्चन सही हुए, तो ये चीज भी मैटर करेगी। तो अगर आप दोनों के दोनों कोडिंग क्वेश्चन कर लेते हो तो वेल एंड गुड, अगर आप 1.5 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो 1.5 क्वेश्चन कट ऑफ रहने वाली है। अगर आप वन क्वेश्चन भी कर लोगे तो काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर वन क्वेश्चन पे भी उनको कम्युनिकेशन असेसमेंट इंटरव्यू के लिए मेल आई है, तो ये डिपेंड करेगा कॉलेज टू कॉलेज। अब नेक्स्ट राउंड है हमारा कम्युनिकेशन असेसमेंट। अब पहले तो सबसे मेन जो डाउट है वो है एलिमिनेशन और नोट, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के यही डाउट रहता है कि क्या भैया एलिमिनेशन राउंड होता है या कोई एलिमिनेशन राउंड नहीं है। तो अगर मैं इसका वन वर्ड में आंसर दूं तो नो एलिमिनेशन राउंड, कोई भी एलिमिनेशन राउंड नहीं होता है सेंचर के अंदर। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर एलिमिनेशन राउंड नहीं है तो आपको ऑब्वियसली इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाली है, बट आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट भी अच्छी तरीके से देना है, यहाँ पे भी कोई मिस्टेक नहीं करनी है। इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप जाके देख सकते हो चैनल पे। तो कम्युनिकेशन असेसमेंट भी आपको बहुत अच्छी तरीके से करके आना है, 101% अपना एफर्ट यहाँ पे पुट करना है, अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे जो भी इनके कम्युनिकेशन असेसमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको करके आने हैं। ये मत मानना कि एलिमिनेशन राउंड है कि है नहीं, तो हम अपना कैसा भी कर लेंगे। तो देर इज अ नो एलिमिनेशन राउंड, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कोई एलिमिनेशन राउंड नहीं है, बट फिर भी आपको अच्छा करके आना है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि सेंचर कम्युनिकेशन पार्ट पे बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन पार्ट, चाहे आप इंटरव्यू में जा रहे हो चाहे आप कम्युनिकेशन असेसमेंट ले रहे हो। कम्युनिकेशन असेसमेंट का मेन रोल यही रहता है कि वे कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करना चाहते हैं, वोकैबुलरी कि आप किस टाइप से बोल रहे हो, क्या आपकी कम्युनिकेशन है, तो ये चीज भी मैटर करेगी। नाउ लास्ट राउंड इज इंटरव्यू राउंड। अब इस राउंड के अंदर टेक्निकल प्लस एचआर दोनों के दोनों मिक्स होते हैं, टेक्निकल प्लस एचआर दोनों राउंड्स मिक्स होते हैं। अब इसके अंदर काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ऊप्स रिलेटेड, प्रोजेक्ट्स रिलेटेड, मैं आपको बता देता हूं, ऊप्स रिलेटेड, डीबीएमएस रिलेटेड, एचआर क्वेश्चंस। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जीएफजी प्रीमियम कोर्सेस लेके आ रही है, तो उसके अंदर भी हमारा कंप्यूटर सब्जेक्ट का कोर्स है, तो आप उसको जाके ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके ले सकते हो, वहां पे कंप्यूटर सब्जेक्ट्स का भी कोर्सेस है, तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट रहने वाला है आपके आगे के लिए भी, अभी आप सिर्फ असेंचर के अंदर तो बैठोगे नहीं, अभी आप काफी कंपनीज के अंदर बैठने वाले हो, तो आपकी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट रहने वाला। अगर आपको डीएससी पढ़ना है डीएससी पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, डेवलपमेंट सीखना है डेवलपमेंट सीख सकते हो, और आपको एक्सेस भी मिल रहा है। अगर आप वन ईयर वाला लेते हो तो आपको वन ईयर का फ्री मिल रहा है, तो ये भी एक बेस्ट रहने वाला है। तो दो साल के आपका एक्सेस रहेगा, अगर आपको फ्यूचर में डेवऑप सीखना है, क्लाउड सीखना है, तो आपके पास एक्सेस रहेगा, तो आप सीख सकते हो, तो आप जाके ले सकते हो। टेक्निकल पार्ट में मैंने आपको बता दिया ऊप्स, प्रोजेक्ट, डीबीएमएस, एचआर, ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, बिहेवियरल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो इंटरव्यू राउंड की अगर मैं बात करूं, अगर आपका इंटरव्यू राउंड
एवरेज चला जाता है तो आपके चांसेस है सिलेक्शन की। अगर आप एवरेज भी, अगर सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे 6 क्वेश्चंस पूछ रहा है एंड अगर आप 6 में से 4 to 5 क्वेश्चंस भी करेक्ट कर देते हो तो आपके चांसेस काफी है। तो इंटरव्यू राउंड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो रहा है, काफी स्टूडेंट्स का ऑलरेडी हो चुका है एंड जितने भी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू राउंड हो चुका है मैं सबसे कहूंगा कि प्लीज अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर देना। अब काफी स्टूडेंट्स को ये होता है कि भैया कब तक रिजल्ट आ जाएगा, तो बहुत जल्दी आपका जब भी इंटरव्यू होगा बहुत जल्दी आपके चांसेस है आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो वेट करो, आपका कॉलेज आपको मेल कर देगा। बिल्कुल पेशेंस ले लो, पेशेंस से रखो अपने आप को, जो भी होगा अच्छा होगा, बेस्ट ऑफ लक एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ये मत सोचना कि मैंने सेंसर के अंदर इंटरव्यू दे दिया तो मेरा वहीं पे हो जाएगा। अभी काफी कंपनीज आएगी, उनकी भी प्रिपरेशन रखो, जो भी कंपनीज आ रही है उसकी प्रिपरेशन रखो। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बेस्ट ऑफ लक एंड जितने भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेल है, हमें मेल जरूर कर देना कि भैया मेरा एक्स वाई जेड कंपनी के अंदर सिलेक्शन हो चुका है, तो हमें मेल करके आप बता सकते हो। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने आपको सब राउंड्स की पर्टिकुलर कट ऑफ बता दी है एंड आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। तो इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें कवर करने का ट्राई किया है। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। एंड अगर आपको ये डाउट है कि भैया मैंने एक्स वाई जेड क्वेश्चंस किए, इतने मैंने क्वेश्चंस किए हैं, क्या मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी या नहीं आएगी, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।